To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों के बीच में मन में कन्फ्यूज़न है कि निफ्टी जो है ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो कहां तक जा सकता है। तो मैं अपनी राय रख रहा हूं कि अगर ये मतलब कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है लगातार अगर चलता रहता तो मान के चलिए कि ये 7,500 के आसपास वापस नीचे की ओर आएगा और भी नीचे जा सकता है। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आप खुद ही सोच लीजिए, आप खुद सोचिए कि अभी अगर हम भारत की बात करें तो 25,000 ज़्यादा केस हो गए हैं। लॉकडाउन है उसके बावजूद 25,000 ज़्यादा केस हो गए हैं। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, भारत की नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमिक हालत ख़राब है। तो अभी जो आप देख रहे हैं निफ्टी में जो अभी धड़ाम से गिरा था उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, रिकवरी आने के बाद में कुछ लोगों को ये सोचना है कि भैया बहुत अच्छी बाइंग आ गई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर बढ़ना चालू करेगा, जितना पैसा है सब लगा दीजिए, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ज्ञान देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है शेयर मार्केट में, ठीक है। और स्पेशली समस्या ये भी है लोगों के साथ में कि लोगों शेयर मार्केट में लोग खुद के ऊपर भरोसा कम करते हैं और ज्ञान देने वाले लोगों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। तो ज्ञान देने वाले लोगों पर भरोसा करने के कारण क्या होता है कि ये शेयर खरीदिए रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, बिल्कुल वैल्यू पाएंगे आप, मतलब रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, मतलब इससे सस्ता कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो उस चक्कर में इंसान क्या है, खुद की तो दिमाग लगाता नहीं है, दूसरों के कहने पर ज़्यादा चलता है। सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान शेयर मार्केट में अपनी नहीं सुनता, दूसरों की सुनता है, और दूसरों को सुनने के कारण वो सारा पैसा लगा देता है और अंत में वो देखता है कि यहाँ पे मतलब बहुत ही बार ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान जो है उस कंडीशन में बर्बाद हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आप खुद ही देखिए इकोनॉमिक कंडीशन लगातार ख़राब होती जा रही है। आप देखिए गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जहाँ से आता है, वो रेवेन्यू आने के सारे सोर्सेस अभी लगभग बंद से हैं, पूरा देश एक तरीके से घर में कैद है। आप देख सकते हैं अगर इसका कोई इलाज नहीं आता है, अगर इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है तो क्या रिजल्ट निकलेगा। आप सोचिए कि बहुत सारी कंपनियां बैंकक्रप्ट हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की और नौकरियां जा सकती है, लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जो लोग स्पेंड कर रहे हैं वो स्पेंड कम हो जाएगा लोगों का। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जब दहशत में रहता है तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करेगा जो उसके ज़रूरी की है, अननेसरी चीज़ों पर लोग स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आपको अभी बोलूं कि अगर आप कार खरीद लीजिए, 10 लाख की कार है, 8 लाख मिल रही है आप खरीद लीजिए, तो आप अभी उसको होल्ड कर देंगे टेम्प्रेरी, भले आप खरीदने की इच्छा, लेकिन आप उसको होल्ड कर देंगे क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, इंसान जाने तो जहाने, इंसान पहले ये सोचेगा कि अभी क्या करेगा, वो कहाँ घूमने जाएगा, ठीक है। अभी इंसान वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहा है और वो किसी से ज़्यादा कुछ मेल मिलाप नहीं कर रहा है, तो अभी क्या खरीदेगा करके। अगर हम बात करें मकान की, तो मकान में भी अगर मान लीजिए 1 करोड़ का मकान है, कोई बोल रहा 80 लाख में दे देंगे, तो अभी नहीं लेगा, अभी वो अपनी टेम्प्रेरी इन चीज़ों को होल्ड पर रखेगा। मतलब मैं कहने का मतलब ये कि वो केवल वही चीज़ें खरीदेगा, वही काम करेगा जो ज़रूरी है, अननेसरी एक्सपेंडिचर वो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि नौकरियां अगर जाएगी, बहुत सारे लोग करोड़ों नौकरियां जा चुकी है, अब उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लोन लिए होंगे, वो लोन नहीं दे पाएंगे, आप समझिए लोन वो नहीं दे पाएंगे, पर्सनल लोन, होम लोन, बहुत सारे लोगों ने वो लोन नहीं दे पाएंगे, वो डिफाल्टर हो जाएंगे, बैंक का NPA बढ़ेगा, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी सारी सी समस्याएँ बढ़ने वाली है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मार्केट करेक्शन होना था वो हो चुका है, अब मैं सारा पैसा लगा दूं यहाँ पर, तो ये गलत है। हाँ, अगर आपको पैसा लगाना है, थोड़ा बहुत आप पैसा लगा सकते हैं, बट वेट करिए क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मतलब जब तक कोरोना वायरस का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता कि भैया ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है या फिर भारत देश से जा चुका है या फिर वैक्सीन बन गई है, इसका कोई परमानेंट इलाज हो गया है, तो एक मार्केट को एक दिशा मिल जाएगी, फिर यहाँ समझ में आ गया भैया सीधे सीधे चलना है। बट यहाँ तो अगर युद्ध होता है, आप सोचिए युद्ध में बॉर्डर भी युद्ध चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी घर में चल रही है, सारा प्रोडक्शन हाउसेज लोग अपना काम कर रहे हैं, सैनिक हमारे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है, मतलब हर व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ है, पूरा जैसे मतलब पूरे देश में मिसाइलें गिर गई हो, तो इस तरीके से पूरा देश एक तरीके से कैद हो चुका है, हर व्यक्ति घर में, सारे छोटे छोटे लोग। आप सोचिए कि नौकरियाँ, अगर हम नौकरियों की बात करें तो सबसे छोटे लेवल पर अगर हम बात करें तो घर के अंदर की एक छोटे से वर्कर की बात करें, एक बाइक की बात करें, जो खाना बनाने के लिए आती है, जो झाड़ू पोछे बर्तन के लिए आती है, सबसे पहली नौकरी मतलब छोटे लेवल पे देखें तो उसकी नौकरी जा चुकी है, क्योंकि वो 10 घरों में खाना बनाई जाती है। अब आज की तारीख में उसको नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता कोरोना वायरस खत्म हो गया तो इंसान रख लेगा, बट जब तक ये डर बना हुआ है, दहशत बनी हुई है कोरोना वायरस का, तब तक इंसान जो है किसी को नहीं रखेगा, तो उस बेचारे की तो नौकरी चली गई। ऐसे बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है, शादी ब्याह आदमी कम करेगा, शादी ब्याह अगर करेंगे भी सही तो जैसे मतलब 2-3-4 पर लोगों के लिए मिलके कर लेंगे, तो जो स्पेंड हो रहा है, लोग पैसे जो खर्च कर रहे हैं मार्केट में,
वो जो नकदी आना चाहिए मार्केट में, वो नकदी आना बंद हो जाएगी, सिर्फ आदमी कंट्रोल करेगा। और मेरा आपको यही कहना है कि अगर आप अपने पास में जो भी पैसा है उसको सुरक्षित तरीके से निवेश करें, किसी के बहकाव में आकर के निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानचंद बहुत सारे हैं, ज्ञानचंद के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा लगा देंगे और लगाने के बाद आप फंस जाएंगे। चलो ठीक है, उसने बढ़िया बताया, किसी ने बताया आपको बढ़िया बताया, हो सकता है 2 साल बाद वो स्टॉक बढ़ भी जाएगा, बट 2 साल तक क्या, 2 साल तक तो आपके पैसे जाम हो गए वो, और उसके बीच में अगर आपको जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल क्राइसिस की जरूरत पड़ी, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखो, जब 12,000 पे निफ्टी था हमारा, वो 11,000 आया, लोगों ने बोला वैल्यू आएंगे, बहुत बढ़िया है। मैं काफ़ी लंबे समय तक सुन रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय सुन रहा हूँ लोगों को, मतलब ये जो बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं लोग, बहुत शार्प रिकवरी होगी मार्केट में, साल भर से यही कहानी सुन रहा हूँ, शार्प रिकवरी होगी, बहुत तेजी गति मार्केट बढ़ेगा। ये देखो 11,000 है, 11,000 से 10,000 है, 10,000 से 9,000 है, आप कितनी बार वैल्यू बाइंग करें, कितनी बार डीपोन बाइंग करेंगे, आदमी का धीरे धीरे करते करके एक बार उसने शेयर खरीदा, उसका तो माया जाल में फंस गया, ट्रैप में फंस गया वो, ठीक है, 100 रुपये का खरीदा, वो 80 में आ गया, 70 में आ गया, फिर वो थोड़ा सा मन ललचाता है, फिर उसको एवरेज करेगा, ठीक है, फिर उसको फिर मन ललचाया, 50 रुपये आ गया, फिर एवरेज करता है, मतलब एक तरीके से उसके माया जाल में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, सारा पैसा अपना वहाँ पर लगा देता है, वो लगा देता है, उसके बाद में वो पैसा जाम हो गया। अब आपको कोई भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी क्या करेंगे आप? तो कहने का मतलब, बस अल्टीमेटली वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं सारा पैसा, मेरा जितना भी पैसा है वो मैं लगा देता हूँ क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन आना था वो आ गया, तो ये आपका मानना गलत है। क्योंकि 2008 और 9 की अगर हम बात करें, उस समय जो क्राइसिस थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे तो कई गुना बड़ी ये क्राइसिस है। आप देखिए कि उस समय 50% ज़्यादा मार्केट मतलब करेक्शन हुआ था, अभी तो उतना भी करेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी और इसमें करेक्शन की गुंजाइश है। क्योंकि ये जो बलून है ना, आपको बढ़ता हुआ बलून दिख रहा है, ये अभी जो थोड़ा बड़ा है बलून दिख रहा है, ये बलून कभी भी बस्ट हो सकता है, और जब बस्ट होगा तो धड़ाम से नीचे की ओर आपको लेके आकर छोड़ेगा, और उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सारे आपके पैसे जाम हो जाएंगे। तो सोच समझ करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए और खुद का डिसीजन खुद लेना सीखिए। सुनना हमें सबकी है, आप 10 लोगों से राय लीजिए, 10 लोगों के आप वीडियो देख 10 लोग वीडियो आप कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप किसी की भाई मेरी मत मत सुनिए, आप किसी की मत सुनिए, आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, सबकी सुनिए, बट करना हमें मन की है, सुनना सबकी है, करना मन की है, क्योंकि पैसे आपके हैं, नुकसान होगा आपका, फायदा होगा आपका। शेयर मार्केट में सबसे आसान काम क्या होता है? सबसे आसान काम होता है जीवानी लाना। जीवानी लाने में क्या जाता है? कुछ पैसे लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, मैंने बोल दिया आपको 4 शेयर ये खरीद लीजिए, आपको मतलब करोड़पति बना देंगे। अगर ठीक है ऊपर गए तो ठीक है, अगर नीचे गए तो मैं अपना स्टेटमेंट फिर से बदल दूंगा, फिर से अपनी जीवा हिला दूंगा, अरे यार ये जो है क्राइसिस के कारण, जो साथ में क्राइसिस आ गई है, कुछ समस्या आ गई इसके कारण गिर गया है, आप इसको होल्ड करके रखिए, थोड़ा समय होल्ड करके रखिए, और थोड़ा और इसमें एवरेज कर सकते हैं आप, इसको होल्ड करके डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरे को क्या करना है? सिर्फ जीवाने से हिलाना है, पैसे आपके लगना है, एवरेज करना आपको है, सब कुछ करना आपको है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान जो है दूसरों के कहने पर आकर के लगातार पैसे लगाता रहता है। तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आप मान लीजिए कम बिजनेस भी करते हैं, कुछ भी बिजनेस अगर आप करते हैं, तो बिजनेस करते हैं आप, तो 100 रुपये भी लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगर आपके जेब से अगर 1,000 रुपये निकलते हैं, तो आप अगर मान लीजिए गुम जाते हैं, 1,000 रुपये आपकी जेब से अगर गुम जाते हैं, तो आपको बहुत लोड होता है उस चीज़ का। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर 1,00,000 रुपये भी लोग खर्च कर देते हैं, उसके बाद में भी वो उसको लोड नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल पैसा ना, एक्चुअली में अगर जेब से 1,000 रुपये की नोट निकली, हार्ड मनी हमारी निकली, तो लगता है कि यार 1,000 रुपये निकल गए जेब से। बट अगर हमारे डीमेट में पैसे पड़े हुए 2,00,000 रुपये, और आज 2,000 रुपये साफ हो गए, उसमें से कोई दिक्कत नहीं, चले गए, मतलब इतना लोड नहीं लेता इंसान, 4,000 निकल गए, ठीक है, अभी तो और पैसे पड़े, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर वाले अगर आपको बोलेंगे कि यार 10,000 रुपये को मुझे मोबाइल दिला दीजिए अभी, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास में। और किसी ने बोला कि यार ये यहाँ पैसे लगा दीजिए, आपने कुछ करा उल्टा सीधा और 10,000 रुपये निकल गए, एक दिन में निपट गए, आप अरे ठीक है यार चलता है, मतलब आपको 10,000 रुपये निपट गए, आपको उसका लोड ही नहीं है। अगर आपको जेब से अगर 1,000 के नोट अगर 10 निकालते अगर आप, तो आपको जोर आता, वहाँ पर दिखता आपको 10,000 रुपये जेब से गए, बट डिजिटल डीमेट से वो माइनस होती जा रहा है, ठीक है यार अभी तो इतना तो लगाने का अपनों में दम है यार, और करें। तो यहाँ पे क्या व्यक्ति कब बर्बाद हो जाता है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि कब उसके पैसे धीरे 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 करके, उसके डिजिटल जो अमाउंट है वो धीरे 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 करके साफ होता जा रहा है, उसको खुद को समझ में नहीं आता। तो इसलिए मेरा बस आपसे यही कहना है कि अपने पैसों को खुद से इस्तेमाल करना सीखिए, दूसरों को इस्तेमाल मत करने दीजिए उसको, कि दूसरे आपके पैसे के साथ कोई खेल रहा है, आप उसको खेलने मत दीजिए, खुद के पैसों का सही तरीके